मेरठ एएसपी ब्रह्मपुरी विवेक यादव ने शॉपरिक्स मॉल स्थित सीओ ब्रह्मपुरी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि 21 सितंबर 2018 को ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के गौरीपुरा निवासी रिटायर्ड दरोगा के बेटे मनोज कुमार की हत्या हुई। सट्टा खेलने की पोल खुलने के डर से आरोपियों ने मनोज की हत्या की और उसकी लाश गंग नहर में फेंक दी थी। इस मामले में पुलिस ने इमरान, फिरोज व सलीम की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया। रहीम पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। ये एक मुकदमा पंजीकृत था ब्रह्मपुरी में 802/18, जिसमें एक मनोज सनफ प्रताप सिंह की हत्या कर दी गई थी अपहरण के पश्चात, जिसमें कि कुल 5 अभियुक्त थे, 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी। एक इसमें रहीम सनफ मोइनुद्दीन थे, जो काफी दिन से ये फरार चल रहा था, जिसपे 50,000 का इनाम भी घोषित किया जा चुका था। ये यहाँ से दिल्ली भाग गया था, दिल्ली से इसके कहने के हिसाब से मुंबई गया, वहाँ से हैदराबाद गया और हैदराबाद से यहाँ मेरठ आया था। यहीं पे थाना ब्रह्मपुरी की टीम एवं एसटीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास करते हुए इसकी गिरफ्तारी की गई।